किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती को लेकर। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम ऐसे ज़रूरी काम को लेकर बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो किसान भाइयों आप सरसों की फसल से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो। किसान भाइयों, अगर पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधे का अच्छी तरह से विकास होगा तो किसान भाइयों सरसों की पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम ऐसे ज़रूरी बातों को लेकर बात करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती को लेकर। किसान भाइयों, इस साल सरसों की बुआई कई क्षेत्रों में अगेती देखने को मिली है और कई क्षेत्रों में पचेती सरसों की बुआई देखने को मिली है। किसान भाइयों, इस साल सरसों की बुआई बहुत ही लंबी देखने को मिली है। किसान भाइयों, अगर आपने सरसों की बुआई सोयाबीन के खेत में की है तो किसान भाइयों जो सरसों का पौधा है उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही होगी और किसान भाइयों सरसों का पौधा बहुत ही छोटा होगा और पौधे का अच्छी तरह से विकास नहीं हो रहा होगा। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम सोयाबीन की फसल में अनेक प्रकार के स्प्रे करते हैं, अनेक प्रकार के खातों का उपयोग करते हैं, किसान भाइयों इसके चलते जो सरसों का पौधा होता है उसकी ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है, ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है और पौधे का अच्छी तरह से विकास भी नहीं होता है। किसान भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है कि किसान भाइयों अगर आपने भी सोयाबीन के खेत में सरसों की बुआई की है तो किसान भाइयों आप सिंचाई का बहुत ही ध्यान रखें। किसान भाइयों, अगर आप सरसों में सिंचाई कर रहे हो तो किसान भाइयों आप प्रति एकड़ 20 से 25 केजी यूरिया के साथ सल्फर का उपयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों, इसमें अगर आप यूरिया के साथ सल्फर का उपयोग करते हो तो किसान भाइयों पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधे का अच्छी तरह से विकास होगा और फलियों में दाना भराव ज़्यादा होगा। और किसान भाइयों, आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जब सरसों की फसल में अगर खेत में नमी हो तो किसान भाइयों खेत की टाइम टू टाइम सिंचाई करते रहे। और किसान भाइयों, आपको सरसों की फसल में सिंचाई का बहुत ही ध्यान रखना है। किसान भाइयों, सरसों में आप यूरिया के साथ सल्फर का उपयोग भी कर सकते हो और आप इसके साथ जिंक सल्फेट का उपयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों, जिससे सरसों का पौधा अच्छी तरह से विकास करेगा, पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी और पौधे में दाना भराव भी ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, सरसों की फसल में बहुत से बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे सरसों की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें।